टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय भंडारण के लिए देश की गेहूं खरीद को उल्लेखनीय इजाफे के लिए पिछले सप्ताह के मध्य तक जूझना पड़ रहा था। व्यापार और बाजार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान अपनी उपज को रोके हुए थे, जबकि खुले बाजार में कीमत ने भी प्रतिबंध लगाए जाने के तुरंत बाद हुए नुकसान की कुछ भरपाई की है। व्यापार के सूत्रों ने कहा कि हरियाणा जैसे राज्यों में जहां खरीद की समय सीमा जल्द खत्म हो रही थी, सरकार द्वारा वहां खरीद की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने के बावजूद पहले 4 दिनों के दौरान राज्य में आधिकारिक मार्गों के जरिए करीब 4000 टन गेहूं बेचा गया था। हरियाणा ने इस साल लगभग 85 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि 19 मई तक करीब 43 लाख टन की खरीद की गई है। पिछले साल राज्य ने करीब 84.9 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। वहीं दिल्ली के एक व्यापारी का कहना है कि ऐसा लगता है कि किसान और व्यापारी दोनों ही प्रतिबंध के बावजूद सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों के जरिए बड़े स्तर पर बिक्री किए जाने से पहले अपना स्टॉक रोके हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लंबी अवधि में दाम 2015 रुपए क्विंटल के MSP से अधिक बने रहेंगे। उत्पादन के मोर्चे पर भी आधिकारिक अनुमानों के संबंध में कुछ सवाल हैं। केंद्र ने वर्ष 2021-22 के सीजन जुलाई से जून में गेहूं का उत्पादन का अनुमान फरवरी के 11.132 करोड़ टन से घटाकर 10.641 करोड़ टन कर दिया है, जो 4.39% की गिरावट है। लेकिन व्यापारिक सूत्रों से इस बात का संकेत मिलता है कि वास्तविक फसल कम है, जो करीब 10 करोड़ टन है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार सरकार का अनुमान पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 38 लाख टन कम है, क्योंकि फसल उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों में गर्मी ने उत्पादन कम कर दिया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।